हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे क्लासिकल डांस के बारे में और सीखेंगे एक ट्रिक इन डांस को याद करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास और पक्के कर लेते हैं एग्जाम के लिए अपने 2 नंबर। तो आइए जानते हैं कि कौन सा ट्रिक है जो हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, ताकि हमारे 2 नंबर पक्के हो जाए एग्जाम में। तो ट्रिक कुछ इस प्रकार है। भरतनाडु, पूरी आदि, कथक उत्तर, कलियट्टम के। उड़ीसा का डांस फॉर्म आपको पता है, उड़ीसी डांस फॉर्म आपको पता है उड़ीसा का है, मणिपुरी डांस फॉर्म मणिपुर का है, सतरिया नृत्य असम का है। तो ये ट्रिक ऐसे काम करता है। भरत हो गया भरतनाट्यम, कौन कहाँ का डांस फॉर्म है तो नाडु से तमिलनाडु। पूरी हो गया कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का डांस फॉर्म, आदि से हो गया आंध्र प्रदेश। कथक कहाँ का डांस फॉर्म, उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश। कली कथक कली के लिए, और अट्टम है मोहिनी अट्टम के लिए, और के से हो गया केरल, तो केरल के लिए डांस फॉर्म। अगर हम इस ट्रिक को 5 से 8 बार अगर पढ़ लेते हैं तो हमें फिर लाइफ में कभी भी डांस फॉर्म के लिए कोई भी ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं होगी। आपको लगेगा कि अभी मुझे ये ट्रिक याद है या नहीं है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको वहाँ पता चलेगा कि हाँ, वाकई में ये ट्रिक मैंने जो पढ़ा था उससे मेरे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो इसके लिए हमने क्वेश्चन भी रखा कि ताकि हम इस पर एक बार प्रैक्टिस भी कर लें कि हमारा ट्रिक काम करता है या नहीं करता है। तो वीडियो को पॉज करके आप 8 बार इसको पढ़ लें और फिर आगे क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा उस पर आप देखें कि ट्रिक अप्लाई हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो ये 8 डांस क्लासिकल डांस हैं इंडिया के। भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस फॉर्म, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, उड़ीसी उड़ीसा का, कथक उत्तर प्रदेश, सतरिया असम, मणिपुरी मणिपुर। ये तो नाम से ही है, उड़ीसी मणिपुरी ये तो नाम से, और एक आप सतरिया याद कर लो, बाकी तो ट्रिक से आपको याद हो ही जाएंगे। तो चलिए आपके क्वेश्चन करते हैं इस ट्रिक पे। डैश एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो 3 अलग अलग घराने के रूप में पाया जाता है। तो पहला है बनारस, जयपुर और लखनऊ घराना। तो इसके ऑप्शन है कथक, सतरिया, कुचिपुड़ी, उड़ीसी। तो अगर हम यहाँ पे हिंट देखें तो बनारस और लखनऊ कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे हमें उत्तर आ रहा है, और हमने क्या पढ़ा है अपना ट्रिक, भरतनाडु, पूरी आदि, कथक उत्तर। कथक होगा उत्तर के लिए, तो ऑप्शन कौन सा है जिसमें कथक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत की सबसे पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य कला का नाम बताइए जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई है और इसका नाट्य शास्त्र में उल्लेख है। ऑप्शन ए भरतनाट्यम, बी छऊ नृत्य, सी कथकली, डी सतरिया। तो हमने अभी पढ़ा है कौन सा ट्रिक, कली कली केरल के लिए के आ रहा था, या तो अट्टम वाला डांस फॉर्म होगा या कली लगा होगा, वही डांस फॉर्म हमारा आंसर होगा। अभी तक तो आप लोगों ने आंसर दे ही दिया होगा, ऑप्शन सी कथक कली होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप आंध्र प्रदेश का एक रात्रि प्रदर्शन है जिसमें संगीतमय तानपुरा और मृदंगम जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मणिपुरी, बी कुचिपुड़ी, सी कथक और डी है ओडिसी। तो हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। हमने अपना ट्रिक पढ़ा है पूरी आधी, आधी से हो गया आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश दिया हुआ आधी, तो कौन सा डांस फॉर्म होगा जिसमें पूरी लगा हो, तो देख सकते हैं कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ट्रिक बखूबी से काम कर रहा है सारे क्वेश्चन पे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि डैश एक शास्त्रीय नृत्य है जो रासलीला विषयों की याद में असम से उत्पन्न हुआ है और भगवान कृष्ण और राधा पर है। ऑप्शन ए सतरिया, बी कथक, सी यक्षगान, डी छऊ नृत्य। तो आपको मैंने कहा था कि याद कर लीजिए कि असम का जो डांस फॉर्म है वो है सतरिया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है जो वैष्णववाद और शक्तिवाद के धर्मनिष्ठ विषयों वाली महिलाओं द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। ए कथकली, बी कथक, सी भरतनाट्यम, डी कुचिपुड़ी। तो हमने आपको ट्रिक पढ़ा भरत नाडु, तो नाडु से हो गया तमिलनाडु, तो कौन सा डांस फॉर्म होगा जिसमें भरत आता होगा, तो भरत किस में आता है, ऑप्शन सी में। आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है, सेम क्वेश्चन है, तो अभी तक आप लोगों ने झटाक से कर दिया होगा कि इसका आंसर तो सी होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक शास्त्रीय नृत्य रूप है जो उड़ीसा में उत्पन्न हुआ है, जो विशेष रूप से जगन्नाथ भगवान, शिव और सूर्य भगवान जैसे हिंदू देवताओं की याद में किया जाता है। ऑप्शन ए ओडिसी, बी सतरिया, सी कथकली, डी गौड़िया नृत्य। तो आपको अभी आपको पता ही है कि ओडिशा का डांस फॉर्म उसके नाम से ही रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा ओडिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में है? ए कथक, बी छऊ, सी उड़िया, डी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा छऊ। छऊ जो है सो यूनेस्को के इंटेंजेबल हेरिटेज लिस्ट में है, तो उसमें 9 क्लासिकल डांस है। लेकिन आगे देखिए क्वेश्चन, उसमें मैंने डाल रखा कि क्या है कि विच इज़ नॉट ए क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज बाई संगीत नाटक एकेडमी। तो संगीत नाटक एकेडमी द्वारा मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए भरतनाट्यम, बी कुचिपुड़ी, डी मोहिनीअट्टम और डी छऊ। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमें पता है कि हम 8 डांस फॉर्म है, अगर हमें वो याद हो तो हम एलिमिनेशन से भी कह सकते हैं कि भरतनाट्यम तो है ही, कुचिपुड़ी भी उस लिस्ट में है, मोहिनीअट्टम भी है, तो कौन सा ऑप्शन बचता है? एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कि छऊ हमारा जो है सो नाटक एकेडमी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप आंध्र प्रदेश का एक रात का प्रदर्शन है, जिसमें तानपुरा और मृदंगम जैसे संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। यह तमिलनाडु के भागवत मेला प्रदर्शन के निकटता से संबंधित है। ऑप्शन ए मणिपुरी, बी कुचिपुड़ी, सी कथक, डी उड़ीसी। तो हमने पढ़ा है पूरी आधी, ठीक है, अपने ट्रिक में तो आधी आ गया आंध्र प्रदेश के लिए, तो पूरी कौन सा डांस में पूरी हो, तो ऑप्शन बी है। अभी तक आप लोगों ने आंसर दे ही दिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ट्रिक कैसी लगी ज़रूर से बताइए कमेंट में, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे, और कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक का आप ट्रिक चाहते हैं, ताकि हम उस टॉपिक को प्रिपेयर करके आपके लिए नए नए ट्रिक लाएं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना टेलीग्राम चैनल डाल दूंगा, वहाँ से आपको ये PDF मिल सकते हैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा इजीली। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।